छोड़ूंगी नहीं। सब लोग बस उसी का साथ देते, आज माता रानी ने भी उसी की रक्षा की। वो लड़की अब नहीं रुकने वाली, कुछ बड़ा कांड करेगी और खतरनाक है वो लड़की। तो सर हम लोग उसको पकड़ते क्यों नहीं? आज की रात तुझ पर बहुत भारी पड़ेगी परी। वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अभी उसने उस डेकोरेशन वाले लड़के को हटा दिया, इस सारे कांड के पीछे वही है और चालाक है चावला। उस लड़की को अरेस्ट करने के लिए हमें दिमाग से चलना होगा। सर जब तक हम लोग की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक वो लड़की उसको निपटा ना दे। परी को तुम्हें आज रात ही खत्म कर दूंगी। आज की रात परी की आखिरी रात होगी। नीति चल, तुझे सब आरती के लिए बुला रहे हैं नीचे। हाँ परी आ रही हूँ। तू क्या हो रहा है? तू इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? नीति क्या हुआ? अरे यार तुझ पे इतना बड़ा जू मर गिर गया, तुझे कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो मैं भी ना जिंदा नहीं बचती। पागल है क्या? ये क्या बोल रही है? आगे से ऐसी बातें मत करना, समझी? चल अब सब तेरा वेट कर रहे हैं। अच्छा ये सब कुछ जो भी हुआ, आई एम रियली सॉरी। आप लोग प्लीज बैठिए, मैंने पंडित जी को बुलाया है शुद्धि करने के लिए। पता नहीं किसकी नजर लग गई। ऐसा नहीं है, भगवान जी का आशीर्वाद भी तो मिला है। परी को कुछ भी नहीं हुआ, माता रानी ने इसे बचा लिया। पर कब तक बचेगी? भगवान भी बचने की एक दो मौके ही देते हैं और वो मौके अब खत्म हो चुके हैं। परी लो पंडित जी आ गए। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते 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 नमस्ते, 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 नमस्ते। पंडित जी ये मेरे होने वाली बहू नीति। खुश रहो बेटिया, खुश रहो। और ये इसके फैमिली मेंबर। नमस्ते जी। नमस्ते पंडित जी। हाँ बहन जी, यहाँ आरती करेंगे। लेकिन बहन जी ऐसी परिस्थिति में पूजा नहीं हो सकती है, हम आरती नहीं कर सकते हैं। क्यों? किसी भी पूजा पाठ में किसी भी कारण से यदि पूजा खंडित हो जाती है ना तो उसे पूरा नहीं किया जाता, फिर उसकी शुरुआत नए ढंग से शुरू किया जाता है। दोबारा मतलब? हमारे कहने का मतलब यह है कि अब माता रानी की स्थापना, पूजा की तैयारी सब कुछ शुरू से करनी होगी। पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्थापना से शुरू करनी होगी। भाई लोग आप सभी लोग हमारे साथ आ जाइए, पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। आइए थोड़ा जल्दी कीजिए, पंडिताइन आती ही होगी। हाँ पंडित जी। पंडिताइन? हाँ पंडिताइन आती ही होगी। आजो आजो। पंडित जी यजमान स्थान का शुद्धिकरण करके फिर स्थापना की विधि करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग दोव्योया स्मृत पुंडरीकाच सवाभ्यंतर सुचि ओम पुनात पुंडरीकाच पुनातु। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? क्योंकि पंडिताइन जी ने तो काफी समय से जागरण में जाना बंद कर दिया है, बहुत बूढ़ी हो गई है ना, लेकिन फिर भी वो यहाँ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रतिमा स्थापयामी। अगर आ रही हैं, तो इसमें गलत क्या है भाई? अच्छे कामों में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है? अब आप इसे सौभाग्य समझे या ताकते कि उनके बिना ये जागरण नहीं हुआ। शतम समर्पयामि। बेटा आप दोनों सुपारी लेकर आ जाओ, जल्दी करना। सौभाग्य तो समझ आया, लेकिन ये ताकतों की बात समझ में नहीं आई कुछ। उसका मतलब? पंडिताइन जी में एक अद्भुत शक्ति है, मुझे आज भी याद है वो दिन
जब मैं पहली बार पंडिताइन जी से मिली थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मिस्टर मेहरा आपको जितना खुश रखेंगे ना, वो उतनी ही तरक्की करेंगे। और आपको पता है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। पहले हम रोज लड़ते थे, झगड़ते थे, जिसकी वजह से इनका सारा का सारा काम का चौपट हो गया। लेकिन आज देखिए, आज हम कहाँ से कहाँ हैं, आगे क्या होने वाला है वो सब जानते, भविष्य देखने की ताकत है उनमें, उनके मुंह से निकली हुई हर बात सच होती है। आज तक ऐसी कोई बात नहीं है जो उन्होंने कही हो और झूठ हो। आंटी जी, क्या वो सच में इतनी बड़ी ज्योतिषी हैं, या फिर आपने जानबूझकर उनसे ये सब कुछ बुलवाया अंकल जी को अपने बस में करने के लिए? नीति, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। संजू को कुछ फील नहीं हो रहा क्या मेरे लिए? उसकी सॉरी केयर पे बस परी का ही हक है क्या? कोई वजूद नहीं रहा उसकी लाइफ में। कैसे भूल गया वो कि मैं वही नहीं थी हूँ जिसे देखते ही उसे प्यार हो गया था? कैसे भूल गए संजू कि तुमने मुझे सबके सामने प्रपोज किया था? मैं वही नहीं थी हूँ संजू जिसके लिए तुम अपनी फैमिली तक को धोखा देने के लिए तैयार हो गए थे, और आज तुम्हारे लिए सब कुछ परी कैसे हो गई? कल तक सबसे खूबसूरत लड़की मैं थी तुम्हारी नजरों में, और आज मेरी कोई हैसियत नहीं है ना। क्यों क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों इतनी बेरुखी दिखा रहे हो मुझे? क्यों जानती हो तुम्हारी बेरुखी की सिर्फ एक ही वजह है, वो है परी। सारे फसाद की जड़ वो लड़की है। तही कहाँ है? मैं कभी सोचा नहीं था कि केमिस्ट्री पढ़ने का कोई फायदा भी होगा, लेकिन आज जरूर होगा। सारी प्लानिंग के साथ आई थी मैं, क्योंकि मुझे पता था कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। सही कुछ करेगी। ये छोड़िए मेरा। आंटी जी, ताई जी, क्या हुआ? मम्मी, क्यों है तू इतने गुस्से में? क्यों है ताई जी, क्या हुआ है? क्या किया नीति ने? ताई जी प्लीज कुछ बोलिए ना, मेरा दिल अब बोलने को कुछ बाकी नहीं रहा परी। ताई जी, ऐसा क्या हो गया है? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो?
इसे देख रहे हो, ये अपने आप को परी की परछाई कहती है, अपनी और परी की दोस्ती की मिसाल देती है सबको, लेकिन असल में ये परी की दुश्मन बन बैठी है।